वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपकी क्लास की एनसीईआरटी बुक से ये लेसन। और आज की लेसन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपकी मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट। अब तक मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और कंप्लीट कर चुका हूँ, और चैप्टर 3 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 भी पूरा कम्प्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैं पहले भी लास्ट वीडियो में आपकी जो मैथ्स की वीडियो आई थी इसमें 3.2 का फर्स्ट पार्ट आया था, और आज हम लोग करने वाले हैं आपका इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, कुछ 2 क्वेश्चन ही का डिस्कस किया था, और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि भी इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग कंप्लीट कर लें। इट मीन्स ये है कि ये आपका ये बोल सकते हो कि एक्सरसाइज 3.3 का ये सेकंड पार्ट हो गया, और इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3rd ऑनवर्ड वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल पेन जो भी है आपके पास उसको लेके रेडी हो जाओ, और जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसे अच्छे से समझना है और नोट भी करना है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आराम से समझाऊंगा ताकि आप भी ध्यान से समझे इस चीज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के साथ। तो 1-2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज बारी है 3rd क्वेश्चन की। तो 3rd क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपके लिए, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, डिविजिबल बाय 6 का कॉन्सेप्ट निकालना है कि भी इसके लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो आई होप समझ में आ गया हो क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या करना है। ये ए से लेकर के जे तक जितने भी पार्ट है हर पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है, ये जो गिवन नंबर है आपके पास, ये गिवन नंबर 3-6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, बस इतना पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपके पास 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप एक एक करके क्या करिए, इनको 6 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 6 को बाहर रखिए, और ये जो नंबर है 297144 6 से डिवाइड करिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है लास्ट में, जब पूरा डिवाइड कंप्लीट कर लोगे और इधर आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो इट मीन्स इट इज, लिख सकते हो लास्ट में, इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है लास्ट में सॉल्व करने के बाद, तो भी लिख सकते हो कि इट इज डिविजिबल बाय 6। एक मेथड तो आपका ये है। ठीक है, और सेकंड मेथड जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं, इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे कि भी ये डिविजिबिलिटी डिविजिबल है या नहीं है, बल्कि दूसरे मेथड से हम लोग आज करने वाले हैं, क्योंकि ये मेथड तो आपको पहले से ही आता है कि डिवाइड करो आंसर चेक करो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिविजिबल बाय 6 है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ कुछ अलग तरीके से सिखाने वाला हूँ, उसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे 6 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूँ इसे क्या करेंगे, आप 2 कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है तब ये 6 से डिविजिबल हो जाएगी। अब वो कंडीशन क्या है ध्यान से समझ लो। फर्स्ट कंडीशन में ये है, अगर कोई नंबर आपके पास, ठीक है, कोई भी नंबर अगर आपके पास है और वो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, इफ इट इज डिविजिबल बाय, ये समझा रहा हूं, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 हो, ठीक है, किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, फर्स्ट कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि ये 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिविजिबल हो, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, 3 से डिविजिबल हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इफ अ नंबर, दोनों को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर, डिविजिबल, एक मिनट, हाँ डायरेक्ट लिख देता हूं, इफ अगर वो 2 से भी एंड 3 से भी, 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। ये कंडीशन है कि भी अगर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है तो आप बोल सकते हो कि भी वो जो नंबर है आपके पास गिवन नंबर वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी, हम ये बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोग क्या करोगे मेरे साथ, ना इसे चेक करोगे 2 से डिविजिबल है या नहीं है,
थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये चेक कर लेते हैं हम तो हमें पता लग जाएगा कि ये सिक्स से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। अब सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें इसे दो बार डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार टू से डिवाइड, एक बार थ्री से डिवाइड। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक शॉर्टकट है आपके पास, एक ट्रिक है जिस ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये जो आपके पास है इसको मैं सबको रफ कर देता हूं सबसे पहले। ठीक है, अब आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं इसे सारे को रफ करके इनको सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, अब हमें चेक करना है सिक्स का डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, यही चेक करना है हमें। तो सबसे पहले जो भी नंबर हो, अगर लास्ट की डिजिट, ठीक है, लास्ट वाली डिजिट यानी कि जो ये वाली डिजिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये डिजिट, ठीक है, ये जो जितनी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये डिजिट अगर इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, लास्ट डिजिट क्या हो हमारे पास, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है जीरो हो जाए, टू हो जाए, फोर हो जाए, सिक्स हो जाए, एट हो जाए, और एट के बाद फिर से जीरो, मतलब मैंने पहले लिख दिया, ये हो जाए, तो आप ये बोल सकते हो अगर ये लास्ट की डिजिट क्या है आपके पास, जीरो टू फोर सिक्स एट, अगर लास्ट डिजिट ये है तो आप ये बोल सकते हो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, टू से डिविजिबल होगा। देन लिखने की जरूरत नहीं है, किससे डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय टू हो सकता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई डिविजिबल बाय टू हो जाएगा अगर लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट अगर हमारे पास ये होगी तो। ठीक है, कौन कौन सी डिजिट, ये टू जीरो टू फोर सिक्स और एट, अगर ये हो जाता है तो सिंपल सा कंडीशन है। अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो आप ये बोल सकते हो भाई ये टू का डिविजिबल है। ठीक है, सिंपल सा चेक करने का तरीका है। अब बारी अब चेक करते हैं भी थ्री का चेक कैसे करोगे। ये तो मैंने टू का समझा दिया, ठीक है, ये किसका समझाया, टू का। अब चेक करते हैं थ्री का कैसे चेक करोगे। तो थ्री के टेबल में अगर आप लोग थ्री का टेबल अगर अच्छे से आता हो तो थ्री के टेबल में कैसे लिखते हो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन, और थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, और इसके बाद मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, ट्वेंटी वन। अच्छा, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, और थ्री टेन जा ट्वेंटी। इसका मतलब ये हुआ, जिसकी सबकी लास्ट डिजिट को ध्यान से देखो तो लास्ट डिजिट में आपके पास क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट में आपके पास ये आ रहा है कि भी डिजिट जो होगी आपके पास, मैं लिख देता हूं लास्ट डिजिट अगर थ्री हो, सिक्स हो, नाइन हो, नाइन के अलावा टू हो, ठीक है, नाइन के अलावा क्या हो, टू हो, ये देखो टू यहां से आ रहा है, टू हो, फाइव हो, नाइन हो, टू हो, फाइव हो, ठीक है, और फाइव के बाद आपके पास एट हो, ठीक है, एट के बाद वन, इस तरह से चेक। या तो एक तरीका तो ये, इस तरह से चेक कर लो कि लास्ट डिजिट चेक कर लो, या एक तरीका ये है कि लास्ट की टू डिजिट, कोई भी नंबर गिवन है ना, इसका लास्ट की टू डिजिट को चेक कर लो, ये थ्री से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अगर ये थ्री से डिवाइड हो जाती है, लास्ट टू डिजिट किसी भी गिवन नंबर का, लास्ट टू डिजिट चेक करो, अगर वो थ्री से डिवाइड हो जाती है तो आप ये बोल सकते हो कि वो क्या होगी, थ्री का डिविजिबल होगा। तो हमें दो कंडीशन चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ये चेक करेंगे डिविजिबल बाय टू, और सेकंड कंडीशन ये चेक करेंगे कि डिविजिबल बाय थ्री, और थ्री के लिए मैंने क्या बताया, लास्ट टू डिजिट को चेक करोगे। ठीक है, ये प्रोसेस नहीं कर रहे हम लोग, क्या करें, लास्ट टू डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, लास्ट टू डिजिट को चेक करेंगे, यहां आइए, तो लास्ट टू डिजिट को चेक करोगे, एक मिनट में दोबारा ही लिख देता हूं, क्या करोगे, लास्ट टू डिजिट को चेक कर दोगे। ठीक है, अगर लास्ट टू डिजिट थ्री से डिवाइड हो जा रहा है, किसे, थ्री से डिवाइड अगर हो जा रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि भी ये थ्री का डिविजिबल है। टू वाले में क्या चेक करना है, लास्ट की डिजिट ये मिलेगी, थ्री वाले में क्या चेक करोगे, लास्ट की टू डिजिट लोगे और उसे डिवाइड करके देखोगे कि थ्री से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर वो डिवाइड हो जाता है वो, तो आप कह सकते हो कि थ्री का डिविजिबल है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट सोल्यूशन बताता हूं। तो जो भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया बेटा, इसे ध्यान से समझना है और इसे अच्छे से कहीं नोट करके लिख के रखना है। ये बिल्कुल आपके लिए एक ट्रिक है, एक तरह से कि बिना डिवाइड करे आप कैसे चेक करोगे भी आंसर सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो मैं अब मैं सोल्यूशन करता हूं, इसका ए पार्ट करता हूं।
तो ए पार्ट में जैसे आपके पास ये नंबर है, क्या नंबर है? 297144, ये नंबर है। अच्छा, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखो, तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है? देखोगे तो लास्ट डिजिट हमारे पास 4 है। 4 का मतलब क्या हुआ? 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलो भाई, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, यस हो गया पहली कंडीशन में। यानी कि दो केस बताए थे ना मैंने आपको, 2 से डिविजुअल चेक करना है और 3 से डिविजुअल चेक करना है। तो लास्ट डिजिट क्या हमारे पास? 4 है, तो 4 2 के टेबल में आता है, वो तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब देखते हैं लास्ट 2 डिजिट दोबारा देखते हैं, अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट अगर आप देख रहे हो तो क्या है? 44, यानी कि 44 है। अब ये 44 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लो भाई, मैं डिवाइड ही करके दिखा देता हूँ पहली बार, लेकिन अगली बार डिवाइड नहीं करूंगा, कुछ और तरीका बताऊंगा, पहले देख लो कैसे कर रहा हूं। तो मैं इस 44 को, ठीक है, ये जो लास्ट 2 डिजिट आपको दिख रही है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये 44 आ रहा है, तो इसको चेक कर सकते हैं। या फिर इससे भी आसान तरीका ये है कि आप क्या करो कि भी ये डिवाइड ये भी नहीं करना, इससे भी आसान बताता हूं, इससे आसान आपके लिए ये होगा कि जितने भी डिजिट है, ठीक है, इन सब डिजिट को ऐड कर लो। यानी कि ये 2 को 9 को, ये 29 कहां से आ रहा है, देखो यहां से ले रहा हूं मैं, 29714 और ये 4, सबको प्लस कर लो, तो जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर लेना। क्या करोगे? जितनी भी डिजिट है सब डिजिट को प्लस कर लो, और प्लस करके देख लो भी क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो जा रहा है तो 3 का डिविजिबल है, ठीक है। चलो आपको प्लस करते हैं, तो 9 और 2 को प्लस करोगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है, दो दो करके प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 9 2 को प्लस किया मैंने, 11 आ गया। 7 और 1 को प्लस किया मैंने, 8 आ गया। और ये 4 और 4 को प्लस किया तो फिर से 8 आ गया। तो अब इसको प्लस कर लो, 11 प्लस 8 कितना होता है? 11 प्लस 8 19 हो गया। 19 प्लस 8 कितना होता है? 27 आ गया, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं कि मैंने फर्स्ट में तो लास्ट डिजिट चेक कर लिया, ये भूल जाओ अभी, लास्ट डिजिट चेक किया तो लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जब आपके पास लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है, ठीक है, लास्ट डिजिट सिर्फ, ठीक है, यानी कि वन प्लेस पे अगर 2 का मल्टीपल्स आ जाए, यानी कि इवन नंबर आ जाए, क्या क्या? 0, 2, 4, 6 और 8, रिपीट कर रहा हूं, 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये डिजिट आ जाती है लास्ट डिजिट, तो इसका मतलब ये 2 का 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 3 से चेक करना हो तो क्या करो, तो भी सारी डिजिट को प्लस कर लो, जितने भी डिजिट गिवन है सबको प्लस कर लो। जैसे मैंने यहां प्लस किया ना, 2 को प्लस किया है, 3 को, 2, 9, 7, 1, 4, 4 सबको प्लस किया, तो प्लस करने के बाद हमारा 27 आ रहा है। अब क्या करते हैं, 27 को डिवाइड कर लेते हैं। लो भाई, बहुत इजी हो गया, आप तो 27 को 3 से डिवाइड कर लो, बस ज्यादा नहीं, तो 3, 9, 27 हो जाता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि 27 3 के टेबल में आ जाता है। तो भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये 2 का डिविजिबल भी हो गया और 3 का डिविजिबल भी हो गया। तो आप कह सकते हो कि जो गिवन नंबर है आपके पास 297144, इट इज डिविजिबल बाय 6। क्या बोल सकते हो? इट इज डिविजिबल बाय 6। तो आप लास्ट में लिख सकते हो इस सिंबल का मतलब, ये 3 बिंदु जो दिख रही है इसका मतलब है देयरफॉर, 1 बिंदु ऊपर है, 1 डॉट ऊपर, 2 डॉट नीचे, तो बेटा इसको बोलते हैं देयरफॉर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? देयरफॉर बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो आप ये बोल सकते हो कि हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये आप ये मतलब इसके लिए नहीं, इसके लिए बात करते हैं। तो ये जो नंबर है आपके पास 297111 इज डिविजिबल बाय 6, ये लिख सकते हो। कब लिखोगे? जब ये 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो आप ये बोल सकते हो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं, इसी पार्ट में से एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, बाकी खुद से करने होंगे। तो एक वैसे तो सॉल्यूशन मैंने सारा किया हुआ है, ये देख रहे हो ए पार्ट ये रहा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ए पार्ट ये रहा, बी पार्ट ये रहा, उसके बाद आपको सी पार्ट ये मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट डी भी मिल जाएगा, और उसके आगे के ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व तो मैंने सारे कर दिए आपके लिए, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि भी आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो और खुद से ट्राई करो। अब मैं इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो ले लेता हूं, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भी ये वाला सबसे ज्यादा डिजिट दिख रही है, बड़ा सा दिख रहा है मुझे, इसको ले लेता हूं जी पार्ट को, ठीक है। तो ये वाला लेके एक बार और समझाता हूं पूरे क्वेश्चन को, ताकि आप बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो जी पार्ट में कर रहा हूं, तो ए पार्ट ये मैं समझा दिया आपको, बी पार्ट ये रहा, ठीक है, उसके बाद सी ये रहा, डी ये रहा, प्रोसेस सेम है बेटा, सब में प्रोसेस सेम है।
बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा खुद से सॉल्व करना है और ट्राई करना है कि भी हो रहा है नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताना, मैं दोबारा बताऊंगा। चलो एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ दोबारा, जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं समझा कि सर बिना डिवाइड किए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे, तो अब समझ लो। तो ये डिजिट है हमारे पास 1790184, ठीक है। दो चीजें चेक करनी है, क्या क्या, डिविजिबल बाय टू। फर्स्ट चेक चीज मैं यहां लिख देता हूं, किसकी से डिविजिबल चेक करोगे, एक बार टू से चेक करोगे, एक बार थ्री से चेक करोगे कि भाई टू से डिविजिबल होना चाहिए और थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों से डिविजिबल होगा तब जाके ये सिक्स से डिविजिबल, ऐसा नहीं कि टू से डिवाइड हो गया थ्री से नहीं हो रहा तो नहीं होगा भाई, या ऐसा हो गया टू से डिवाइड हो ही नहीं रहा थ्री से लेकिन हो जा रहा है तो भी नहीं होगा। दोनों से होना कंपलसरी है, यानी टू से भी और थ्री से भी, तब जाके ये सिक्स से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये है इसकी कंडीशन। चलो चेक करते हैं। तो टू के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट जो है उसको चेक कर लो, यानी कि वन प्लेस वाली को चेक कर लो। तो वन प्लेस पे क्या है, वन प्लेस पे आपके पास क्या है, फोर है, क्या है, फोर है आपके पास, ये देख रहे हो ना, लास्ट में क्या है 184, लेकिन लास्ट डिजिट क्या है आपके पास, फोर है। तो आप ये बोल सकते हो लास्ट डिजिट, जैसे मैंने लिखा है, सिंस लास्ट डिजिट इज फोर, क्या है लास्ट डिजिट, अगेन फोर आ गया, तो क्या, तो आप कह सकते हो इट इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है। टू से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है, जीरो, टू, फोर, सिक्स और एट, यानी कि अगर ये डिजिट हो लास्ट में तो आप ये बोल सकते हो भाई ये टू से डिवाइड हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, जीरो, टू, फोर, सिक्स और एट, तो ये यहां पे फोर है, इसका मतलब ये हुआ ये टू से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया अभी। अब हम चेक करेंगे थर्ड, थ्री से देख करेंगे, और थ्री के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई सारे डिजिट को प्लस कर लो। तो क्या क्या डिजिट है हमारे पास, 1790 1 लिखना है भाई, ये जीरो लिखना, कहीं बोले सर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना है भाई, ठीक है। और फिर प्लस फोर, तो ये सारा डिजिट उठा के मैंने यहां लिख दिया प्लस के निशान के साथ। तो ये देखो, ये हो गया आपके पास 7 + 1 8, 8 + 9 प्लस करके बताओ कितना आएगा, 8 + 9 जल्दी प्लस करो। चलो मैं बता देता हूं, 8 + 9 हो गया आपके पास 17, ठीक है, 8 + 9 17 हो गया, जीरो ऐड करोगे तब भी 17 रहेगा, 1 ऐड करोगे 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 8 ऐड कर लेते हैं, 18 में बेटा 8 ऐड और करो, 18 में 8 ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 18 + 8 26, चेक करो मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, 26 होगा, और 26 में ऐड कर दो 4, 26 में क्या ऐड करना है आपको, 4 ऐड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्या आया 30, ये देखो मैंने लिखा भी है 30 आएगा। तो 30 का मतलब ये हुआ कि भाई 30 तो 3 के टेबल में आ जाता है, जब 3 के टेबल में 30 आ गया तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो नंबर है 3 से भी डिविजिबल हो गया, यानी कि 2 से भी डिविजिबल हो गया और अब 3 से भी डिविजिबल हो गया, यानी कि जब दोनों से डिविजिबल हो जाए तब आप नीचे एक लाइन लिखोगे इस तरह से, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्या लिखोगे लास्ट में, हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, कब, पहले लिखोगे द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो भाई ये डिविजिबल हो गया। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो 6 से डिविजिबल ना हो, कैसे चेक करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे थोड़ा और आइडिया हो जाए। तो मैं एक बार दोबारा से आपको एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक ये दिख रहा है मुझे, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस वाले को, तो इसमें क्या है, इस वाले पार्ट में लास्ट डिजिट में 5 है, क्या है लास्ट डिजिट में 5 है, और 5 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो पाता है, यानी कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे इस क्वेश्चन में कि भी गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्या लिखोगे, गिवन नंबर इज, मैं लिख दूं क्या, यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या इसको, यहां पे लिख देता हूं, तो लिख दोगे 4335 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देन भी लिख सकते हो या हैंस लिख सकते हो, हैंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय, अब हैंड राइटिंग ये मत बोलना सर, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि मैं टाइप नहीं कर रहा हूं, अब लिख रहा हूं, हैंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है, डिविजिबल बाय 6, ठीक है,
तो इस तरह से कर सकते हो, यानी कि अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए तो आप बोलोगे 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा ये थर्ड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने जो भी बेसिक चीजें थी सारी चीजें बताई इस क्वेश्चन के अंदर, तो उस चीज को ध्यान से आपको देख करके प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 4 में क्या करना है, हमें चेक करना है डिविजिबल बाय 11, ठीक है। किससे चेक करना है, मैंने डायरेक्ट समझा दिया आपको, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ठीक है, नहीं तो कहोगे सर डायरेक्ट कैसे, हमें तो नहीं समझ में आया। इस क्वेश्चन में ये है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 11, इनमें से कौन कौन से नंबर है जो कि 11 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई 11 से डिवाइड होने का एक कंडीशन है, देखो एक तो तरीका ये, दोनों दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन सा मेथड है, यहां लिखता हूं, इधर देखो साइड में देखो, तो दो मेथड इसके करने के, एक तो ये है कि मैं 11 यहां लिखूं और जो भी नंबर है, जैसे ये नंबर क्या है 5445, इसको 11 से डिवाइड कर लो, अगर मेरा रिमाइंडर क्या रहा है 0 आ जाता है यहां पे, तो इट मींस क्या हुआ, ये डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, पर ये मेथड तो आपको पहले से ही आता है, जब आप छोटी क्लास में थे तभी आप लोगों ने सीख लिया है कि भी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, लेकिन मैं आज इस तरह से नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको दूसरे तरीके से सिखाने वाला हूं, सेकंड मेथड। और वो जो मेथड है उस मेथड में आपको मजा आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, क्या है देखो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हमें 11 के लिए, ये बेटा जो बता रहा हूं सिर्फ 11 के लिए बता रहा हूं, इसमें क्या करना है, कोई भी नंबर आपके पास, जैसे ये नंबर है 5445, तो ये जो प्लेस है बेटा इसको बोलते हैं वन प्लेस, यानी कि ये जो प्लेस है कौन सा प्लेस है वो, इसे बोल सकते हो आप इवन प्लेस बोल सकते हो, सॉरी ऑड प्लेस बोल सकते हो, और ये क्या है, ये भी ऑड प्लेस है, और इसके आगे अगर कोई नंबर होता तो वो भी ऑड प्लेस होता है, और ये जो प्लेस देख रहा है यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे, आगे होता तो फिफ्थ नंबर पे। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई डिजिट फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, सेवंथ नंबर पे और नाइन्थ नंबर पे, 1, 3, 5, 6 एंड नाइन्थ प्लेस, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और दूसरी बार में हम बात करेंगे, अभी समझ लो एक बार, मजा आएगा अभी देखो, कि ये जो नंबर दिख रहा है यानी कि 5, 4, यानी कि कहने का मतलब ये है, जो सेकंड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, फोर्थ के बाद सिक्स प्लेस पे, सिक्स के बाद एट प्लेस पे या 10, मतलब कहने का मतलब है कि ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कौन कौन से प्लेस की बात कर रहा हूं, कि ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे, तो जो भी डिजिट है आपके उन सबको प्लस कर दो, ठीक है, और उनको माइनस कर लो। कहो सर प्लस कर दो माइनस कर दो, क्या बता रहे हो सर, अरे भाई इनको प्लस करना है, जो भी उनके प्लेस पे है। जैसे मैं एक फार्मूला बता रहा हूं आपको, लिखोगे सम ऑफ ऑड, ये नहीं है कुछ, ये आई कुछ नहीं है, अभी दोबारा लिख देता हूं, सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर, ऑड कैपिटल में लिख देता हूं, ऑड डिजिट प्लेस नंबर, जो भी ऑड डिजिट पे है, और फिर उसमें क्या करो सम ऑफ इवन डिजिट, इवन प्लेस डिजिट, इनको माइनस कर लो, ठीक है। अगर ये जीरो आ जाता है तो, अगर ये दोनों जीरो आ जाता है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये 11 से डिविजिबल है। समझ में नहीं आया होगा सर ने क्या बताया, सर आपने वन प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फाइव प्लेस पे, नहीं समझ में आ रहा ना, चलो कोई बात नहीं दोबारा बताएंगे भाई। देखो अब ये जो आपके पास नंबर है 5445, तो इसमें अगर आप देखोगे तो वन प्लेस पे क्या है, जो सबसे पहला प्लेस, ये वाला फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, तो इन दोनों को प्लस कर लो, यानी कि ये 5 + 4 हो गया, कितना आया आंसर, 9 आ गया। अब ये वाला देखो, ये सेकंड प्लेस पे, ये देखो सेकंड प्लेस ये है और ये फोर्थ प्लेस है, यानी इनको भी प्लस कर दो 4 को और 5 को, अच्छा क्या आया, ये भी 9 आ गया, अच्छा दोनों 9 आ गए, यानी कि दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा 9 - 9 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाते हैं तो आप ये बोलोगे इट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे आपको सोल्यूशन करना है, ये देखो मैंने आपके लिए सोल्यूशन भी किया बट मैं समझा रहा था, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पे ऑड प्लेस पे कौन कौन है, ऑड, एक मिनट, हाँ ऑड प्लेस पे क्या क्या आपके पास, ऑड प्लेस पे 5 और 4 है, ये 5 और ये वाला 4, ये आ गया 5 + 4 9, और इवन प्लेस पे क्या आपके पास, इवन प्लेस पे भी आपके पास क्या है, इवन प्लेस पे यानी कि 4 और 5, ये आ गया,
दोनों को प्लस किया या 9 यहाँ लिख दिया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। क्या निकाला? डिफरेंस क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो जब ये जीरो आ जाएगा तो आप लिखोगे ये सेंटेंस, हेंस द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इज जीरो। क्या आ रहा है? जीरो। तो आप कह सकते हो हेंस जो भी नंबर है 5445 इज डिविजिबल बाय 11। अगर जीरो आंसर आएगा तभी ये डिविजिबल होगा, जीरो के अलावा कुछ और आ गया तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाता हूं, दोबारा से समझाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो एक बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं, कि बड़ा नंबर लूंगा तो समझने में थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है सबसे बड़ा नंबर, मुझे ये लग रहा है ना सबसे बड़ा, इस डी को ले लेते हैं। डी को मैं दोबारा समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को एक बार एक पार्ट करके दोबारा समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये देखो इसमें भी मैंने सारा सॉल्व किया आपके लिए, ए बी सी डी सारा सॉल्व किया है, लेकिन मैं समझाऊंगा एक और ताकि बाकी प्रैक्टिस आप खुद से कर सको। कौन सा समझाने वाला हूं मैं? तो मैं समझाने वाला हूं डी पार्ट। तो ठीक है, तो ये आपके पास ए पार्ट ये रहा, बी पार्ट आपके पास ये रहा, बी के बाद अगर हम बात करें सी पार्ट की सी ये रहा। प्रोसेस सबका सेम है, एक ही तरीके से करना है, लेकिन अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको सबसे बड़े वाला, यानी कि ये डी पार्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। जरा ध्यान से देखो, तो इसमें ये बताओ कि भाई जो डिजिट है ऑड प्लेस पे कौन कौन है। ठीक है, कौन से प्लेस पे? ऑड प्लेस पे कौन कौन है? ऑड प्लेस का मतलब हमेशा पीछे से चेक करते हैं भाई। तो ऑड प्लेस पे आपके पास ये 8, ठीक है, ये 8 आ गया, ये देखो 8 दिख रहा है, ये 8 आ गया। उसके बाद ये 3, ठीक है, ये 3 आ गया। 3 के बाद यहां पे क्या 6 है, तो इस 6 को उठा के यहां रख दिया मैंने, और 6 के बाद क्या है? 0 है। एक एक छोड़ के लेंगे, ठीक है, 0 है, और उसके बाद 7 है। 7 के बाद कोई अगला प्लेस होता तो लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी प्लेस पे है? ऑड प्लेस का ये रहा। तो इनको जब प्लस करोगे तो क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। देखो मैंने यहां लिखा है 8 3 11, 11 और 6 कितने होते हैं? 17 हो जाते हैं। 17 में 0 ऐड करोगे तो भी 17। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं इवन प्लेस की। तो इवन प्लेस पे आपके पास क्या क्या है? सबसे पहले 0 आ रहा है, लो भाई 0 आ गया। उसके बाद 9 आ रहा है, ये रहा 9 आ गया। 9 के बाद 1 आ रहा है, ये रहा 1 आ गया। 1 के बाद 7 आ रहा है, तो ये लो 7 आ रहा है। तो इन सबको प्लस करो, 0 प्लस 9 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 में 7 ऐड करो तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। अब इस 17 को और इसके बाद जो इसका 17 आया था, दोनों को माइनस करो, क्या ये 0 आ रहा है? हाँ भाई बिल्कुल 0 आ रहा है। जब ये डिफरेंस 0 आ जाए तो आप लिख सकते हो हेंस 70 जो भी नंबर है 701699308 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन थर्ड भी और क्वेश्चन फोर्थ भी। तो फोर्थ क्वेश्चन के जो रिमेनिंग है आपके पास, जैसे डी तक तो आपने यहां देख लिए, डी के बाद अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ई है। ई तो बहुत इजी है, देखने में बड़ा लग रहा है बहुत आसान। ई के बाद ये रहा एफ, ठीक है एफ, ठीक है एफ तक ये रहा। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन 5 से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि जिसके जो रिमेनिंग पार्ट से बेटा वो खुद से करना है, और कैसे है? जैसे मैंने अभी बताया, एक तरीका और है कि 11 से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको बताया कि भाई ऑड प्लेस को सम कर दो, सम का मतलब है प्लस कर दो, और इवन प्लेस को सम कर दो और उनको माइनस करके देखो जो सम करने के जो आंसर आ रहा है उनका डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस 0 आ जाता है, जैसे हमने दो क्वेश्चन किया ना भाई, ये 0 आ जाता है, कितना आ जाता है? ये 0 अगर आ जाता है, जैसे इसमें आया 0 आ रहा है, ठीक है ये 0 आ रहा है, तो आप कह सकते हो इट इज डिविजिबल बाय 11। अब देखो जैसे ये सी पार्ट है, सी वाले क्वेश्चन में, इसमें ऑड प्लेस पे तो भाई ये आ रहा है 24, ठीक है, और इवन प्लेस पे क्या आ रहा है? इवन प्लेस पे आ रहा है 15 आ रहा है, जो कि सेम नहीं आ रहा है, यानी कि माइनस करने पर 0 की जगह क्या आ जा रहा है? यहां पे 9 आ जा रहा है। तो 9 आने का मतलब लिखोगे तो गिवन नंबर जो भी है आपके पास नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, यानी कि 0 अगर डिफरेंस आ जाता है माइनस करने के बाद तो डिविजिबल बाय 11 होगा, अगर नहीं आता तो भाई लिखोगे नॉट डिविजिबल बाय 11। सिंपल से ये था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, ध्यान से पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटर डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटर डिजिट लिखना है आपको इन द बॉक्स इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर इज फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। कि आपके पास जो ये फिल इन द ब्लैंक में जो ब्लैंक गिवन है ना 6 के आगे, इसमें कोई भी छोटा नंबर फिल करना है, एक बड़ा नंबर फिल करना है, और वो जो नंबर आप फिल करोगे वो कैसा होना चाहिए?
थ्री से डिवाइड होना चाहिए, पूरा नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए, किससे, थ्री से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अभी मैं पहले ये आपको याद दिलाता हूं कि थ्री से डिवाइड कब होगा, याद करो भाई, शुरू में बताया था। तो थ्री से डिवाइड जब होगा अगर सारे डिजिट को ऐड कर दोगे और क्या आ जाए, जो भी नंबर आए अगर वो थ्री से डिवाइड हो जाए, किससे, थ्री से डिवाइड, जो भी नंबर आए अगर वो थ्री से डिवाइड हो जाता है और यहां जीरो आ जाता है तो आप बोल सकते हो थ्री से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन लेता हूं, इसका ए पार्ट मैं करूंगा, बी पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा मैं। तो ये है आपके पास नंबर, नंबर क्या है, डैश 6724, ये नंबर है, ओके। अब इसको सम कर लेते हैं, तो जब सम करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, सम करोगे तो भाई ये 6 + 7 + 2 + 4, इन सबको प्लस करोगे, 6 + 7 = 13, 13 + 2 = 15, 15 + 4 = 19 आ गया। देखो भाई मैंने 19 यहां पहले लिख दिया था, 19 आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, 19, तो 19 को अगर थ्री से डिवाइड करोगे तो नई बात बनेगी, तो यहां पे कोई ऐसा नंबर निकालेंगे, ये डिवाइड करोगे तो भाई 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 को अगर हम हटा दें तब भी हमारा सॉल्व हो सकता है, लेकिन 1 तो नहीं हटा पाएंगे, चलो और, लेकिन यहां पे तो इन्होंने बोला ऐड करो एक नंबर, तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई जो 19 टोटल आ रहा है, टोटल कितना हमारे पास आ रहा है 19 की जगह अगर हमारे पास 21 होता, क्या होता, 21 होता, तो भाई हमारा आंसर ठीक रहता, तब ये डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो ये होना कितना चाहिए था, 21 होना चाहिए था, क्योंकि 18 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है थ्री के टेबल में, 21 आता है, ठीक है, 18 के बाद क्या आता है, 21 आता है, अगर 21 होता तो सही रहता, लेकिन 19 भी नहीं हुआ और हमें 20 पे जाना है, तो मैंने क्या किया, इसको माइनस करके, यानी कि 19 को 21 में से माइनस करूंगा, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 डिजिट अगर और आ जाए, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इस प्लेस पे अगर मैं 2 को फिट कर दूं, क्या फिट कर दूं, 2 को फिट कर दूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो इसकी जगह, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इस प्लेस की जगह पे अगर मैं 2 को फिट कर देता हूं, ठीक है, 2 को फिट करने का मतलब ये हुआ कि 6 7 2 6 7 2 2 4 अगर मैं डाल देता हूं तो हमारा आंसर आ सकता था। अच्छा अब आगे देखो थोड़ा सा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारा 2 का आ रहा है, तो अब ये बोल सकते हो कि भाई नाउ इधर देखो नीचे यहां पे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें पुट करना है, यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट जो यहां पे आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 2 को जब यहां डालोगे, यानी कि ये जो नंबर है डैश था, डैश की जगह मैंने यहां क्या लिख दिया, 26, ये यहां पे डैश था 26724, ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई स्मॉलेस्ट की, अब निकालते हैं ग्रेटेस्ट की बात। अच्छा अगर आप लोग 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर काउंटिंग बात करूं 0 से लेकर 9 तक, तो सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है, सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है, ठीक है। तो अब आपसे ये बोला जा रहा है कि भी सबसे बड़ा डिजिट में क्या डालूं इसके अंदर, ताकि मेरा जो डिविजुअल है, ये जो डिविजुअल जो भी है 3 से हो जाए। तो बिना इसको ऐड किए हमारे पास प्लस कितना आ रहा था, बिना अगर मैंने इसको 2 नहीं प्लेस किया था यहाँ पे, जो शुरू में नंबर गिवन था, तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था हमारे पास 19 आ रहा था, ठीक है, 19 आ रहा था हमारा ये 6724 को ऐड करने के बाद। अच्छा अगर मैं सपोज 9 ऐड कर दूं इसकी जगह पे, यहां पे मैं क्या लगा दूं, 9 लगा दूं, तब देखते प्लस करके क्या आता है, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, 9 लिख देता हूं, तो जब 9 लिखोगे इसकी जगह, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और 28 जो है वो डिवाइड नहीं होता है 3 से, 27 तो हो जाता है लेकिन 28 नहीं होता, तो भाई 9 तो हम यूज नहीं कर सकते, चलो भाई 9 को मैंने हटा दिया। अब देखते हैं 8 को देखते हैं, ठीक है, इसको यहां पर अगर मैं 8 को रख दूं, तो 8 को रखने का मतलब ये हुआ कि भी अब मुझे जो प्लस करना पड़ेगा वो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, यानी कि 8 प्लस किया, ये देखो 8 इसकी जगह पे, उसके बाद जो नंबर है 6 7 2 4 सबको प्लस करो भाई, तो जब सबको प्लस करो फटाफट प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, 6 और 8 14, ठीक है, 14 + 7 20 क्या होगा, 14 + 7 जल्दी बताओ 21 और 2 ऐड कर लो पहले, 21 में 2 23 और 23 में 4 ऐड करोगे 27 आ गया। हाँ भाई क्या आ गया 27, देखो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 27 आ रहा है, तो जब 27 आ रहा है तो 27 क्या है 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 3 9 से 27 होता है,
तो यानी कि जो बड़ा नंबर लिखोगे आप वो क्या लिखोगे, लार्जेस्ट नंबर क्या लिखोगे, 8 लिख सकते हो, यानी कि बड़ा डिजिट क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, और छोटा डिजिट क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे कैसे क्या क्या बता दिया, तो मैं ये बोलूंगा बेटा इस वीडियो को एक बार जरूर दोबारा देखना, रिवाइज करके एक बार दोबारा आराम से देखना। तो स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए मैंने क्या किया, सारे डिजिट को पहले मैंने प्लस किया, ठीक है, प्लस करने के बाद चेक किया कि भाई ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं है, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो डिविजिबल है, नहीं होगा तो नहीं है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट मैंने किया है, मैं चाहता हूं कि ये बी पार्ट आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख के अच्छे से समझ के खुद से इस बी पार्ट को करो। बहुत ईजी है, यहां पर एक डैश है, इस डैश को फिल करना है, कैसे, उसी तरीके से, ठीक है, एक बार जरूर देखना समझना फिर ट्राई करना, बाकी सोल्यूशन तो दे रखा है मैंने लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना खुद से, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई, ठीक है। और हाँ अगेन 6 में भी दो पार्ट है भाई, ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, तो मैं तो एक पार्ट कराऊंगा और उम्मीद करता हूं कि सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करोगे, ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे राइट, देखो यहां बोला जा राइट अ डिजिट, यानी कि जो प्लेस गिवन है ब्लैंक है, यहां पे एक डिजिट लिखना आपको, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फर्स्ट नंबर हमारे पास ये, सेकंड नंबर हमारे पास ये, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, सो दैट द नंबर फॉर्म बाय डिविजिबल बाय 11, जो नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए, याद करो 11 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था मैंने, क्या बताया था भूल गए, चलो याद दिलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाके बताऊं ऐसे बताऊं, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, मैंने इसमें बोला था कि पहले ऑड प्लेस वाले को प्लस कर लो, ठीक है, जो हमने प्लस किया था, फिर इवन प्लेस वाले को प्लस कर लो, ठीक है, और उनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का मतलब उनका डिफरेंस यानी माइनस करके देखो, अगर वो 0 आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो ये मैंने यहां पे पूरा डिटेल में समझाया था, उसके बाद मैंने एक यहां पे भी डिटेल में अच्छे से समझाया था आप लोगों को, ठीक है, अगर यहां समझ में आ गया वेरी गुड, आप लोग खुद से कर सकते हो, अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से वही सेम चीज को रिपीट करके दोबारा समझाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर देखो आपके पास क्या है, यहां लिखता हूं मैं नंबर, ठीक है, तो नंबर है आपके पास 92 डैश, डैश की जगह नंबर फिल करना है, 389, ठीक है, ये हो गया आपके पास ऑड प्लेस 932, ऑड प्लेस क्या आपके पास 932, देखो यहां पे लिखा है मैंने 932, ऑड प्लेस पे क्या है 932, और इनको जो प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ये देखो यहां से, ठीक है। उसके बाद अब ये अब तो मैंने ऑड की बात कर ली, ये ऑड प्लेस था, ऑड प्लेस, ठीक है, अब बात करते इवन प्लेस की, तो इवन प्लेस पे आपके पास जो है वो बताओ मुझे क्या है, इवन प्लेस पे आपके पास 8 है, ठीक है 8 हो गया, यहां पे क्या क्या था, यहां था आपके 9 था 3, चलो अभी उसकी बात नहीं करते, अब इवन की बात कर लेते सिर्फ, 8 है आपके पास, 8 के बाद डैश है, 8 के पास क्या डैश है, तो डैश की जगह मैं स्मॉल ए लिख लेता हूं, ठीक है, क्या लिखता हूं स्मॉल ए लिखा है मैंने डैश की जगह, उसके बाद क्या है 8 के बाद डैश, डैश के बाद 9 है, यानी कि क्या हुआ ये जो नंबर हो गया आपके पास 8 आ गया, इवन प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है 8 आ गया, 8 के बाद देखो क्या है 8 के बाद डैश है, डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया यहां पे ए लिख दिया, ध्यान से समझना ए कहां से आया, ए मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया, मतलब मैंने माना कि कोई नंबर नहीं है तो उस नंबर का नाम मैंने ए रख दिया यहां पे, इसको बोलते लेट करना, लेट ए बी द प्लेस हियर, उस प्लेस पे क्या नंबर आएगा ए आएगा, मैंने नाम रख लिया, ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा 8 प्लस ए रख दिया, यानी 8 आ गया, ए आ गया और 9 यहां से आ गया, इनको प्लस करोगे तो क्या आ गया, नंबर वाले को पहले प्लस कर लो, 8 और 9 को प्लस करोगे 17 आ गया, ओके ए है, ए को ऐसे एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, यानी 17 प्लस ए हो गया। अच्छा ये किसका आया, ये आ गया आपके पास ऑड इवन प्लेस का, यानी कि इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का क्या होगा, दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, यानी कि 17 प्लस ए, एक मिनट दोबारा लिखता हूं, 17 प्लस ए, ठीक है, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं 14 माइनस कर दूं, 14 क्यों माइनस करूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको ये क्या है, ये है भाई इवन प्लेस का और ये वाला क्या है ऑड प्लेस का, ठीक है, ये इवन प्लेस का है तो ये ऑड प्लेस का आएगा, दोनों को जब माइनस करते हैं तो जीरो आता है, क्या आता है जीरो आता है,
तो इस वजह से मैं लिख सकता हूं उसे 17 प्लस ए, 17 प्लस ए कैसे आया, ये ए ठीक से बनाता हूं दोबारा, 17 प्लस ए हो गया, ये हो गया आपका इवन प्लेस का, और ऑड प्लेस का क्या आया 14 आया, इसको मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ऐसा बोला जाता है। तो 17 में से क्या करो, 14 को माइनस करो, ए को इधर चुपचाप रखो बस, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये 17 में से 14 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, यहां लिखता हूं उसके बाद 3 आ गया, ठीक है। और ये क्या हुआ 3, ठीक है, ये क्या आ गया, एक मिनट नहीं 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 गड़बड़ कर रहा हूं मैं भाई, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 3 आ गया आपके पास, ठीक है, ये क्या आया 3 आ गया आपके पास, और माइनस ए इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, क्या आया 3 माइनस ए इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ए को इधर लेके गया, दोबारा लिखता हूं, 3 को इधर लेके जाऊंगा, ए को इधर लेके जाऊंगा, जब इधर लेके जाते हैं साइड चेंज करते हैं तो भी साइन भी चेंज हो जाता है, यानी कि जो माइनस में था प्लस में हो जाता है। इस वजह से आप ये बोल सकते हो ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब ये तो 3 आ गई, अच्छा अब जो पुराना था, पुराना का मतलब ये हुआ आपके पास क्या था, 17 प्लस ए ये था, ठीक है, 17 प्लस ए था आपके पास, और इधर क्या था, दूसरी तरफ क्या था, 14 था, 17 प्लस ए और 14 था। अच्छा अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सबसे पहले मैंने ए इसको लेट करके चला, फिर मैंने ऑड, इस ऑड प्लेस का निकाला 14 आ गया, इवन प्लेस का निकाला 17 प्लस ए आ गया, डिफरेंस क्या आया मेरे पास, डिफरेंस आया हमारे पास, एक मिनट, डिफरेंस क्या आया हमारे पास, 3 प्लस ए आया डिफरेंस, और यहां से मैंने ए की वैल्यू निकाली जो कि ये आ गया माइनस 3, ठीक है, क्या आया माइनस 3, यानी कि साइड चेंज करके, एक मिनट इसको दोबारा बताता हूं, यहां से यहां तक समझ में आ रहा है। तो मैंने इसका क्या किया, इस ए को इधर लेके जा रहा हूं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट देखो, इससे भी थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहां तक तो सबको क्लियर था, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर था। तो यहां से अगर मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, चलो 17 में से 14 माइनस किया 13 आ गया, और ये 13 प्लस ए इक्वल टू 0 है, ठीक है, 3 आएगा, 3 प्लस ए इक्वल टू 0 है, यहां तक से 3 कैसे आया, 17 में से 14 मैंने माइनस किया। अब ए की वैल्यू अगर निकालनी है, चलो मैं ए 3 को उधर शिफ्ट करता हूं, उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस 3 आएगा, तो इस वजह से मैंने यहां पे ए की वैल्यू क्या लिख दिया है, माइनस 3 लिख दिया है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो यहां पर, अच्छा अब हमारे पास जो ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3 आ गई, लेकिन भाई माइनस 3 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये किसी भी डिजिट को माइनस में नहीं लिख सकते, तो भाई माइनस में नहीं लिख सकते तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, जिसका भी डिविजिबल निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, 11 का निकाल रहे हो, ठीक है, तो 11 में से क्या करोगे, 3 को माइनस कर दोगे, 11 में से क्या करोगे, 3 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये लिखा मैंने यहां पे, ये देखो 3 प्लस ए इक्वल टू 11 लिख दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या किया, ए की वैल्यू ठीक से निकालने के लिए 11 माइनस 3 कर दिया, 3 क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू जो माइनस 3 आ रही थी, माइनस 3 तो लिख नहीं सकते हम लोग, तो मैंने क्या किया, 11 में से 3 माइनस करूंगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11 में से 3 माइनस करोगे 8। अब सोच रहे होगे सर ये 11 कहां से आया, क्योंकि 11 की डिविजिबल की बात की गई थी इसलिए 11 आया, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो 11 आएगा ये, सॉरी 11 कह रहा हूं, 8 आएगी वो डिजिट जो इस पे प्लेस पे आएगा, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो नंबर होगा, नंबर क्या होगा, नंबर आपका हो जाएगा 92 डैश की जगह 8 लिखोगे और 389, ठीक है, ऐसे करोगे, और इसी तरह आपको बी पार्ट भी करना है। चलो एक बार मैं समझा देता हूं बी पार्ट, ठीक है, लेकिन ट्राई खुद से करना। यहां पे नंबर क्या है हमारे पास, ये नंबर है, और जो मिसिंग प्लेस है उसकी जगह मैंने क्या किया, ए लिख दिया। अब पहले तो इवन प्लेस देख लो, नहीं पहले ओड प्लेस देख लेते, ओड प्लेस क्या है, 8 9 और 8, एक मिनट पूरा मिटा देता हूं, एक मिनट, यहां आओ, नहीं यहां, ये नंबर है आपके पास, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे एक, तो जो नंबर है आपके पास वो नंबर क्या है, 8-9484, ठीक है, कितने डिजिट का है, 4 डिजिट ये रहा है, डैश 5, और ये टोटल 6 डिजिट का है, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं ऑड प्लेस, ऑड प्लेस का मतलब है 4
फोर, ये डैश ये आ जाएगा, तो ये फोर फोर डैश, डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, तो ये आ गया आपके पास एट प्लस ए आ गया यहां पे। अगर मैं इवन की बात करूं, एट नाइन एट, क्या है एट नाइन एट, ठीक है भाई एट नाइन एट, इसको प्लस करोगे तो कितना होगा, एट और नाइन कितना होता है, एट और नाइन हो जाता है हमारे पास सेवनटीन, सेवनटीन और एट कितना होता है, सेवनटीन और एट ट्वेंटी फाइव हो जाता है, ये ट्वेंटी फाइव आ गया। अच्छा अब क्या करोगे, इनका डिफरेंस जीरो आएगा, यानी कि ट्वेंटी फाइव, ठीक है ये ट्वेंटी फाइव और ये जो एट प्लस ए है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर यूं बोलूं मैं कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो कि भाई ये जो क्या नाम है आपके पास जो ए प्लस, यानी कि ए प्लस एट है, इसमें ट्वेंटी फाइव माइनस कर दूं। आप कहोगे सर ये तो बड़ा उलझन वाला काम हो गया, है ना, क्या हो गया, एक उलझन वाला काम हो गया, यानी कि दोनों का, एक तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, या तो दोनों को इक्वल लिख के कर लो या माइनस करके कर लो, यानी कि एट प्लस ए में से ट्वेंटी फाइव माइनस कर लो, तो जब माइनस करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा, क्यों, इलेवन के डिविजिबल के लिए जीरो आना चाहिए होता है, तो यहां पे आप लिख सकते हो एट, ये एट तो अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ए लिख लेते हैं, तो ये जो ट्वेंटी फाइव माइनस में था इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एट जो प्लस में था इधर आके माइनस में कर दो, यानी कि माइनस एट हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करके निकाल लो, यानी कि 25 में से 8 माइनस करो, जब 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 17 आ जाएगा। अच्छा अब 17 जो है, 17 आपके पास क्या है, 17 तो टू डिजिट नंबर हो गया, अरे भाई टू डिजिट नंबर तुम ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, किससे माइनस करेंगे, 11 से माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, 11 से माइनस, क्यों, क्योंकि 11 का टेबल है, तो अब क्या करोगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, 17 में से 11 माइनस कर दोगे। ये सर ये बार बार 11 से माइनस या 11 को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि 11 का टेबल का चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो 11 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, तो ये जो 6 आ गया यही प्लेस वो डिजिट होगी, यानी कि नंबर हो जाएगा 8 डैश, यानी कि डैश की जगह 6, 9484। देखो यहां पे भी मैंने 11 से माइनस किया, और इससे पीछे वाले में भी 11 से किया था, देखो 11 ये लेके ये, ठीक है 11 में से माइनस किया, अगर 11 से छोटा हो जाए तो भाई उसको माइनस कर दो, अगर 11 से बड़ा नंबर आ जाए तो 11 को इसमें से माइनस कर दो, तो क्या आया मेरे पास, 6 आ गया, तो जब 6 आ गया तो तुम्हारा आंसर है, तो ऐसा ही करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आपका 3.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई, वैसे तो मैं ये बी पार्ट आपको करने के लिए देता पर मुझे लगा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके समझा के बता दिया, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा बी सी डी पार्ट किसी किसके मैंने छोड़े हैं वो खुद से करना है, ट्राई करना है, और नहीं समझ में आ रहा दोबारा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही है, वीडियो पसंद आती लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करो, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना भाई जो बाकी जो क्वेश्चन के आंसर है, क्वेश्चन सॉल्व करके उनके आंसर जरूर बताना मुझे, अभी नहीं बता सकते बाद में बताना, लेकिन बताना जरूर, टाइम लगेगा लेकिन टाइम लेके आराम से सॉल्यूशन का आंसर जरूर बताना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चलो आज के लिए बाय।